हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड रोल। चलो आज मैं इसकी रेसिपी बताती हूँ। पहले कुछ आलू लें और उन्हें उबाल कर अच्छे से ग्रेट कर लें। फिर उसमें आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच मैदे का आटा और एक कुटी हुई प्याज डालें। फिर इसे अच्छे से चलाएं, जिससे मसाले मिल जाएं। उसके बाद दो ब्रेड लें और फिर उनके चारों तरफ से एजेस काट लें। फिर कटे हुए ब्रेड को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। उसके बाद ब्रेड लें और बेलन की हेल्प से उसे पतला कर लें। एक बाउल में एक चम्मच मैदे का आटा लेकर उसका पतला सा पेस्ट बना लें। फिर ब्रेड लेकर उस पर आलू की टिक्की लगा लें और मैदा के पेस्ट की हेल्प से उसे अच्छे से रोल कर लें। ऐसे ही दूसरे ब्रेड को भी कर लें। फिर रोल को मैदा के पेस्ट में डिप करके उसके बाद ब्रेड के क्रम्स में लगा लें। उसके बाद फ्राई पैन में तेल को गर्म होने के लिए रख दें। गर्म होने के बाद ब्रेड रोल को डालें और उन्हें अच्छे से लो फ्लेम पर पकने दें। जब वह अच्छे से पक जाएं, फ्राई पैन से निकाल लें और हमारे ब्रेड रोल रेडी हैं। देखिए हमारे ब्रेड रोल कितने क्रिस्पी बने हैं और आप भी इन्हें अपने घर पर बनाकर ट्राई जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको हमारे ब्रेड रोल कैसे लगे और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी टेस्टी डिशेस की रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।